दोस्तों जय हिंद। आज हम देखने वाले जो विभिन्न स्थान हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, जिनके नामकरण किए गए, बाद में नाम चेंज किया गया है ना, नामकरण क्या, नाम जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है, जैसे प्रयागराज है ना, अयोध्या, चंद्रनगर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न अगर पूछेगा तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा, बहुत आराम से 2 नंबर आप ले लोगे। बस एक बार थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, हम एक बार पढ़े हैं, ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत मुश्किल सवाल नहीं होगा, ठीक है। चलो वीडियो में हम आगे बढ़े, इससे पहले वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कुछ चाहो तो लिख सकते हो, पूछ सकते हो आप, ठीक है, कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। ये परिवर्तित नाम है, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर दरबार हॉल है, उसका नाम क्या बदल दिया गया, तो गणतंत्र मंडप, ठीक है। दरबार हॉल, हॉल मंडप, ठीक। दरबार से गणतंत्र कैसे याद रखेंगे, तो देखो अपना देश गणतंत्र हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति चुन के आते हैं, है ना, राजा नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप, राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल, तो अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप, याद रखना आसान है। जोशीमठ तहसील, ठीक है, ये चमोली में है, उत्तराखंड में, बहुत चर्चे में था अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत चर्चे में था। एक बार आप यूट्यूब पे देखोगे या इंटरनेट पे तो पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे। स्वराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, तो इसका परिवर्तित नाम क्या है, तो निरंजन शाह स्टेडियम, निरंजन शाह से याद रखिएगा। जय शाह अभी बीसीसीआई के सचिव हैं वर्तमान में, एशियाई क्रिकेट संघ के जो हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, और आईसीसी के होने वाले अध्यक्ष हैं, जो सबसे कम उम्र के बनेंगे अभी, ठीक है, चुने जा चुके हैं, बस बनना है। अयोध्या रेलवे स्टेशन, हालांकि नाम सिर्फ टाइटल यहाँ पे शाह है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई रिश्तेदार हो, ठीक है, याद रखना। अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम, ठीक। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का नाम क्या रख दिया गया, तो चंद्रनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है खेलो इंडिया महिला लीग, तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या है, तो अस्मिता महिला लीग, ठीक है, अस्मिता, पेपर में कभी भी कुछ हो जाता है, कोई अजीब सा घटना है ना, तो उसमें अस्मिता से खेले ऐसे वैसे लिखा रहता है खूब चर्चे में, तो नाम तो याद रह जाएगा कि महिलाओं से संबंधित है, खेलो इंडिया महिला लीग, अस्मिता महिला लीग, ठीक है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, ये सेतु है, तो इसका नाम बदल दिया गया है महाराष्ट्र में, वीर सावरकर सेतु, ठीक है, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, वीर सावरकर सेतु, याद रह जाएगा, ठीक है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, तो इनका नाम क्या बदल कर रख दिया गया, तो अटल सेतु, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कठिन भी होगा कुछ, ऐसा नहीं है कि एकदम आसानी से सबका नाम याद हो जाएगा ना, सब प्रयागराज जैसा नहीं है और अयोध्या धाम जैसा नहीं है, ठीक। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नई दिल्ली में था, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय, इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय, चूंकि फर्स्ट प्रधानमंत्री है तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक। नेक्स्ट है अल मिनहाद शहर, ठीक है, ये संयुक्त अरब अमीरात में था, ठीक है, तो अपने लिए कहीं ना कहीं सम्मान की बात है, इसका नाम क्या है, हिंद शहर, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी पूछने का तो एक ही पूछेगा, ऐसा नहीं सभी पूछना है एक ही व्यक्ति से, ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा। अल मिनहाद शहर हिंद शहर से संबंधित है, मतलब हिंद शहर इसका परिवर्तित नाम है कहाँ पे, तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। मोटे अनाज, मिलेट्स, रागी है ना, ज्वार, बाजरा, ये सब जितने हैं ना, उसको नाम दिया गया है क्या, श्री अन्न, ठीक है, आप देखे होगे इसके बारे में, सुने होगे कई बार, हालांकि क्यों, क्योंकि 2023 में मोटे अनाज जो है श्री अन्न वर्ष मना रहे हैं, है ना, बाजरा दिवस, ठीक है, याद रखना 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अहमदनगर जिला, अहिल्याबाई होलकर नगर, ठीक है, अहमदनगर जिला, जिसका जिले का नाम क्या बदल दिया गया, तो अहिल्याबाई होलकर नगर, ठीक। औरंगाबाद, औरंगाबाद तो नाम सुने ही होगे, है ना, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उस्मानाबाद धारासिव, है ना, याद रखना, उस्मानाबाद धारासिव महाराष्ट्र दोनों। नेक्स्ट है, थोड़ा सा करेंट अफेयर के साथ पढ़ लेंगे,
क्योंकि जब भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी करना पड़ेगा, नहीं तो जो नया चीज़ पूछता रहता है वो फिर भूल जाएंगे, है ना। हालांकि स्पीडी करंट अफेयर्स या कोई भी करंट अफेयर्स का, हालांकि करंट अफेयर्स का बुक ले लेना है, ठीक है, पढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर जाएंगे, ठीक है, अभी जाने वाले हैं। तो आज नई दिल्ली में निकल गए हैं मोदी जी, आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव, तो याद रखना विदेश सचिव, सचिव से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो विदेश सचिव कौन, विक्रम मिस्त्री ने कहा, यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कहाँ पे, तो डेलावेयर में, डेलावेयर जगह है जहाँ पे विल्मिंगटन में क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है। क्वाड देश में कौन कौन है, तो ऊपर जापान, नीचे ऑस्ट्रेलिया, इधर पश्चिम में अपना देश भारत, है ना, भारत, और इधर अमेरिका, यूएसए, ठीक है, ये 4 देश हैं, याद रखना, ठीक है, क्वाड देश 4। ये क्या करते हैं, तो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है ना उस पर निगरानी करने के लिए सब कुछ ठीक ठाक चले, सुव्यवस्थित चले, क्योंकि चाइना अतिक्रमण कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपस में मिले हैं। तो श्री मिस्त्री ने कहा है, प्रधानमंत्री सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के भविष्य शिखर सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे, जिसका थीम क्या है, शिखर सम्मेलन का विषय क्या है भाई, तो बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, न्यूयॉर्क में होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, देखो सहकारिता मंत्रालय जो है ना वो प्रधान अभी राष्ट्रपति हाल ही में इस पद को सृजित किए हैं, तो याद रखना, ठीक है, सहकारिता मंत्री कौन है, तो सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास ही है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, एक्चुअली क्या हुआ है, श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो डेयरी से, दूध से संबंधित है, ठीक है। और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 1970 के दशक में, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन किए, तो वर्गीज कुरियन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत चर्चित नाम है, पूछता है, ठीक, जैसे MS स्वामीनाथन के बारे में पूछता है, वैसे वर्गीज कुरियन के बारे में भी पूछता है। तो ये लॉन्च कब किया गया, 2.0 ये श्वेत क्रांति, तो अभी हाल में 19 सितंबर में, ठीक है, 2 दिन पहले जब आप देख रहे हो। तो इससे क्या फायदा होगा भाई, तो इससे होगा क्या, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, जब भी रोजगार पैदा होंगे तो, ठीक है, बच्चों में कुपोषण दूर होगा, रोजगार पैदा होंगे, जैविक खेती को मजबूती मिलेगी, और देश में जैविक खेती के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, ठीक है, मतलब जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, तो बच्चों में कुपोषण भी दूर होगा और रोजगार पैदा होगा, सही बात है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है जेनेवा में, है ना, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, उनका नाम क्या है, तो टेड्रोस अधोनोम, है ना, टेड्रोस आए दिन चर्चे में रहते हैं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को, जॉर्डन एक देश है जो एशिया में ही आता है, ठीक है, इसराइल के ही पास है, इसराइल के पास है, लेबनान अभी देश में बहुत चर्चे में है, सुने होंगे, है ना, वहाँ का जो हिजबुल्ला कमांडर है वो मारा गया है इसराइली हमले में, ठीक। तो जॉर्डन कहाँ पे, एशियाई देश है, इसराइल के पास में ही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इनको क्या किया है जॉर्डन को, तो WHO ने कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। कुष्ठ रोग जो है उसको दुनिया कोई एक देश में अगर ख़त्म हो गया है तो वो है जॉर्डन। किसने कहा है, तो WHO ने, ठीक है। जॉर्डन के बारे में थोड़ा सा जान लें अगर, तो बता दिए आपको, एशियाई देश है और इसकी सीमा इसराइल के पास लगती है, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा अवस्थिति यहाँ इसकी कहाँ पे है, और आपको WHO के बारे में बता दिया कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, कौन व्यक्ति भी प्रमुख हैं, तो उनका नाम क्या है, टेड्रोस अधोनोम, ठीक है, याद रखना। जॉर्डन की राजधानी कहाँ पे, तो अम्मान, ठीक है, अम्मान राजधानी है, और करेंसी क्या है, तो जॉर्डनियन दिनार, ठीक है, जॉर्डनियन दिनार। आगे बढ़ते हैं, शारजा निवेश मंच, शारजा निवेश मंच भारत और शारजा का है ना, UAE का, तो SIF 2024 की 7वीं बैठक,
आज संपन्न हुई है, जिसमें स्मार्ट अर्थव्यवस्थाओं के लिए भविष्य की दृष्टि पर 2 दिनों तक गहन चर्चा हुई। कहाँ पे हुई है ये सार्जा निवेश मंच? तो अपने देश भारत में नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, नई दिल्ली में कहाँ पे? तो पूछा जा सकता है, याद रखना, जवाहर है ना, जवाहर रिसेप्शन, ठीक है, एंड कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, कन्वेंशन सेंटर याद रखना, कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। अभी पढ़ते हैं क्या हुआ है। सार्जा निवेश मंच SIF 2024 की 7वीं बैठक आज संपन्न हुई, कहाँ पे? नई दिल्ली में, जवाहर रिसेप्शन और कन्वेंशन सेंटर में। ठीक, स्मार्ट अर्थव्यवस्थाओं के लिए भविष्य की दृष्टि पर 2 दिनों तक गहन चर्चा हुई। इस मंच पर भारतीय व्यापार जगत के नेताओं और निवेशकों की महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी गई। CEPA द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए नए क्षितिज खोलना शीर्षक वाले एक प्रमुख सत्र में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, याद रखना, किन किन देशों के बीच? तो भारत और सार्जा मतलब UAE है ना। अभी इनके सलमान भी आए थे अपने देश में, है ना, अल नाहयान, याद रखना, बड़ा लंबा सा नाम है। ठीक, पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों के कौशल विकास के लिए शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना का 1 साल पूरा हो गया। देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है वो शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पिछले साल 2023 में 17 सितंबर को, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ है, देखो, आज इसका वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्धा शहर के स्वावलंबी मैदान में आयोजित एक समारोह को संबोधित करेंगे। ठीक है, मोदी जी करेंगे, कहाँ पे? वर्धा में। ठीक है, याद रखना, पहली वर्षगांठ मना रहे हैं किसका? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक, प्रधानमंत्री इस योजना के लाभार्थियों को टूल किट ऋण वितरण पत्र सौंपेंगे। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, मेन बात क्या है, इसमें ऋण सुविधा है। और खास बात क्या है, तो जो पारंपरिक उद्योग है ना, जैसे चाहे वो बढ़ी हो, टेलर हो, या टेक्सटाइल से जुड़े लोग हो, जो पारंपरिक तौर पर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए हैं, ये फायदा उनके लिए है कि उनको ऋण जो है वो आसानी से और सस्ते में हो, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए ये व्यवस्था की गई है। क्या? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ क्या है, तो इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम विदर्भ के अमरावती जिले में स्थापित होने वाले प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे? तो विदर्भ में। ठीक है, अमरावती जिले में, विदर्भ में। ठीक है, याद रखना, क्या चीज़? तो प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे उद्घाटन करने वाले मोदी जी, या उद्घाटन नहीं, आधारशिला भी बनने वाला है ना, रखने वाले हैं आधारशिला, कहाँ पे? तो याद रखना, अमरावती जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति आज दमन का दौरा करेंगे, दमन और दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है, पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से बाद में इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा, है ना। 26 जनवरी कब किया गया, पूछा जा सकता है, तो 2020। ठीक है, याद रखना, 26 जनवरी 2020। अभी इसके प्रशासक कौन है, है ना, तो उनका नाम है प्रफुल पटेल। ठीक है, याद रखना, प्रफुल पटेल। 26 जनवरी 2020 को दोनों को मर्ज कर दिया गया, दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, अभी दोनों मर्ज हैं। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है वो पढ़ते हैं फटाफट। उपराष्ट्रपति आज दमन का दौरा करेंगे और जम्पोरे में एवियरी का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, एवियरी मतलब वो होता है ना पक्षी रहने के लिए, ठीक है, पक्षी के रहने के लिए उद्घाटन करेंगे, कहाँ पे? तो जम्पोरे में, पूछा जा सकता है। ठीक, याद रखना, जम्पोरे। वे दमन में कई स्थानों का भी दौरा करेंगे, जिसमें जम्परीन में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी शामिल है। ठीक है, कल श्री धनखड़ जगदीप धनखड़ दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और छात्रों का संकाय सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। वे दीव में स्थानीय पंचायतों और नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 22 सितंबर को उपराष्ट्रपति दीव में
घोगला ब्लू फ्लैग, घोगला ब्लू फ्लैग बीच और घोगला टेंट सिटी का दौरा करेंगे, ठीक है। वे घोगला में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी फ्लैट्स और दीव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वही है उपराष्ट्रपति दोनों गए हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति गए हैं दमन दीव, दोनों साथ कब मर्ज हो गया, मतलब दमन दीव और दादर नगर हवेली, इसके साथ एवियरी का उद्घाटन किए हैं। कहाँ पे? तो जामपोरे में, ठीक है, दमन में। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेबनान में, लेबनान अभी बताया था शुरुआत में ही आपको, जॉर्डन और लेबनान के बारे में, है ना, ये इसराइल के नेबरिंग कंट्री है और अभी इसराइल जो है वो इजरायली हमले में लेबनान में एक आतंकवादी समूह है जिसका नाम क्या है, तो हिजबुल्ला, ठीक है। तो पूछा जा सकता है हिजबुल्ला से संबंधित, ठीक है। तो याद रखना हिजबुल्ला के जो शीर्ष कमांडर थे उसके जो है इसराइल के हवाई हमले में उसका निधन हो गया, ठीक है, मारा गया वो, उसका नाम क्या है, तो इब्राहिम अकील, ठीक, इतना ही इम्पोर्टेंट है। लेबनान की राजधानी की बात करें तो बेरूत और इसकी करेंसी लेबनीज पाउंड, ठीक है, बेरूत बेरूत करेंसी इसका पाउंड और कंट्री इसका नेबरिंग कंट्री है, समझ रहे हो, जब इसराइल हमला किया तो इसराइल के पड़ोसी देश है। आम आदमी पार्टी, अभी पता है दिल्ली में इतना बड़ा चल रहा है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ये सीएम बन गई है, ठीक है, आज शपथ लेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह आज राजनिवास में होगा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आतिशी और उनके मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होगा तो देख सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत, ठीक है, याद रखना। अब देखो हमारे यहाँ झारखंड में ऐसी ही हालत हुई थी, हमारे यहाँ झारखंड में क्या हुआ, हेमंत सोरेन गए जेल तो बना दिए गए चंपई सोरेन। अब चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बन गए, जैसे ही बाहर आया तो मुख्यमंत्री से उसको नीचे मतलब इस्तीफा दिलवा के फिर मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन। अब किसी को मुख्यमंत्री बना के फिर नीचे ले जाओगे तो पार्टी में कैसे रहेगा, तो देखो इसका क्या होता है आगे देखेंगे। वैश्विक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF, नाम सुने होंगे, कई बार ये चर्चे में रहता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। तो याद रखना ये क्या करता है, ग्रे लिस्ट में डालता है, भूरा लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालता है। वो क्यों डालता है थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इसके बारे में। जो पैसों से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित है, वो एक तरह का वॉच डॉग है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, पैसों की निगरानी करता है कि कहीं कहीं पैसा जो है वो कहीं गलत चीज़ों पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, चाहे आतंकवाद को पोषित करने में पैसा खर्च नहीं हो रहा, ठीक है। तो बार बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालता रहता है कौन, FATF। FATF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक, याद रखना। इसका जो अध्यक्ष है ना, वो अध्यक्ष कौन है, तो एलिशा, महिला है एलिशा, बड़ा लंबा सा नाम है, एलिशा डी अंडा एंडा, है ना, एंडा माड्रेजो, ठीक है, तो माड्रेजो इतना याद रख लो, बहुत है एलिशा डी, ठीक है, बाकी पूरा नाम याद रखोगे तो बाकी चीज़ भी याद रखना है, ठीक। अब इसको पढ़ते हैं, इसने क्या कहा, एक्चुअली वैश्विक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने क्या कहा है, कहा है कि भारत में जम्मू कश्मीर जो है ना वहाँ पे कोई आतंकवादी घटना हो सकता है बड़े स्तर का, ठीक है, जिस क्यों और उसमें किसका हाथ रहेगा, तो ISIS का और अलकायदा का, ठीक है, उसके लिए सरकार को अलर्ट किया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में और उसके आसपास, और किसके बारे में, तो इस्लामिक स्टेट और अलकायदा, ISIS और अलकायदा के लिए, ठीक। तो पूछा जा सकता है, आगे बढ़ते हैं, अच्छा खत्म हो गया, चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, मिलते हैं फिर, जय हिंद।